फर्स्ट एग्जाम स्पेस के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, फाइव थ्योरम्स हैं, तो उनमें जो रिजल्ट्स यूज होंगे बार बार, कल मैंने डेफिनेशन करवाई थी फर्स्ट एग्जाम स्पेस की कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट एग्जाम स्पेस कब होगा, अगर उस स्पेस के हर पॉइंट पे काउंटेबल ओपन बेस मिल जाए। बेस को ओपन बेस भी बोल सकते हो क्योंकि वो टी के मेंबर्स का बना हुआ होता है। नेक्स्ट रिजल्ट ये करवाया था, अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट एग्जाम स्पेस है तो फिर उस स्पेस के हर पॉइंट पे मोनोटोन डिक्रीजिंग काउंटेबल ओपन बेस एग्जिस्ट करेगा, तो ये रिजल्ट यूज होगा। एक, अगर कोई कलेक्शन बेस है एट पॉइंट एक्स, तो इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स देर एग्जिस्ट ए मेंबर ऑफ दैट कलेक्शन कैपिटल बी कंटेंड इन ओपन सेट जी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज होगी, तो ये चार पांच पॉइंट्स आप लोगों को रिवाइज करने हैं। तो इस फर्स्ट थ्योरम में कह रहा है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट एग्जाम स्पेस ऑफ काउंटेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी वो स्पेस फर्स्ट एग्जाम स्पेस है। तो इस थ्योरम में फर्स्ट एग्जाम स्पेस की कंडीशन दे रखी है कि एक्स फर्स्ट एग्जाम स्पेस है, तो प्रूव करके दिखाओ कि अगर एक्स टी टू स्पेस या हॉसडॉर्फ स्पेस है तो फिर प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैपिटल एक्स स्पेस में यूनिक लिमिट रखेगी। तो थ्योरम में कंडीशन स्पेस के पास ये है कि वो फर्स्ट एग्जाम स्पेस है, देन प्रूव दैट एक्स इज टी टू और हाउसडोर स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। तो पहले हम स्पेस को मान लेते हैं कि ये टी टू स्पेस है, तो टी टू स्पेस या टी टू स्पेस का अनदर नेम है हाउसडोर स्पेस। तो मैंने ये थ्योरम प्रूव करवाई थी टी टू स्पेस में, इन ए टी टू स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। तो उस थ्योरम के स्टेटमेंट से ये बाद वाला रिजल्ट प्रूव हो गया, अगर ये स्पेस टी टू स्पेस है तो फिर प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का यूनिक लिमिट होगी। कन्वर्स पार्ट हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो स्पेस है वो फर्स्ट एग्जाम स्पेस है, सच दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स हैज ए यूनिक लिमिट, और पहले वाला पार्ट प्रूव करेंगे कि एक्स हाउसडोर स्पेस है। तो हम इस कन्वर्स पार्ट को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स टी टू स्पेस या हॉसडोर स्पेस नहीं है, तो अगर नहीं है, अगर है तो अगर ये टी टू स्पेस है तो कंडीशन डेफिनेशन ये थी फॉर एवरी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट उठा लें, फॉर एवरी वर्ड था तो कन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा देर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और वहां डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे देर एग्जिस्ट, तो देर एग्जिस्ट का उल्टा हो जाएगा एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स एंड वाई हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो यहां पर यही वर्डिंग लिखी हुई है, अगर ये टी टू स्पेस नहीं है, नहीं है तो दो ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट एवरी ओपन सेट, जो टी टू स्पेस की डेफिनेशन है उसका कन्वर्स कर लेना उल्टा, मतलब कि नगेशन, तो वो वन लाइन लिखी हुई यहां पर। अब ये टी टू स्पेस है, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट एग्जाम स्पेस है, तो फर्स्ट एग्जाम स्पेस है तो फिर इस कैपिटल एक्स के हर पॉइंट पे काउंटेबल ओपन बेस एग्जिस्ट करेगा, और जो काउंटेबल ओपन बेस एग्जिस्ट करेगा उसको हम किस में रिड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, मोनोटोन डिक्रीजिंग काउंटेबल ओपन बेस में रिड्यूस कर देंगे। तो फिर ये इसके हर पॉइंट पे मोनोटोन डिक्रीजिंग काउंटेबल ओपन बेस मिलेगा, तो इसके अंदर से हर पॉइंट कौन दिख रहा है, एक्स और वाई, तो फिर एक्स और वाई पे भी काउंटेबल ओपन मोनोटोन डिक्रीजिंग बेसिस मिलेंगे। अब ये इस कलेक्शन में सारे ओपन सेट्स से हैं कंटेनिंग एक्स, इस कलेक्शन में सारे ओपन सेट्स से हैं कंटेनिंग वाई, और ऊपर हमने ये लिखा हुआ है
कि जो ओपन सेट्स एक्स और वाई को कंटेन करेंगे उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, तो ये नॉन एम्प्टी हो गया। अब ये सेट नॉन एम्प्टी हो गया तो इस सेट से पॉइंट्स उठा उठा के हम एक सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे। इसमें से पहली टर्म उठाएंगे उसका नाम एक्स वन रख देंगे, पहली टर्म उठाने के बाद कोई दूसरी टर्म उठाएंगे जो पहली टर्म से डिफरेंट होगी उसका नाम एक्स टू रख देंगे, और इस तरह एक सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे इस सेट से एक्स एन। अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये सीक्वेंस एक्स और वाई डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज करेगी। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर किसी सीक्वेंस को ये दिखाना हो कि एक्स पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करके दिखाना हो, तो हमें बाद वाला पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। तो बाद वाला पार्ट प्रूव करवा रहा है हर ओपन सेट के लिए, तो हर ओपन सेट के लिए तो पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, तो फिर आर्बिट्रेरी ओपन सेट मानेंगे। अगर आर्बिट्रेरी ओपन सेट के लिए पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट कर गया तो फिर हर ओपन सेट के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा। तो जब भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूव करना हो तो हम हमेशा ये आर्बिट्रेरी ओपन सेट्स उठाएंगे। तो ये सीक्वेंस एक्स पॉइंट को कन्वर्ज करके दिखानी है तो एक तो एक्स पॉइंट को कंटेन करने वाला आर्बिट्रेरी ओपन सेट मान लेंगे, और दूसरा वाई पॉइंट को कंटेन करने वाला एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट मान लेंगे। अब ऊपर लिखा हुआ था कि ये बेसिस हैं, ये बेस है एक्स पॉइंट पे, ये वाई पॉइंट पे। तो यहाँ डेफिनेशन है कि कोई भी कलेक्शन अगर एक्स पॉइंट पे बेस है, और कल भी लिखवाई थी, तो फिर क्या होल्ड होगा, इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स देयर एग्जिस्ट, इसका इस कलेक्शन का एक मेंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो उस ओपन सेट में कंटेंट हो जाएगा। तो ये बेसिस हैं और ये ओपन सेट है कंटेनिंग एक्स, और ये एक्स पॉइंट पे बेस है, तो फिर इसका एक मेंबर जरूर होगा जो इस ओपन सेट में कंटेंट होगा, इसका एक मेंबर जरूर होगा जो इस ओपन सेट में। तो मान लिया कि वो इस कलेक्शन का वो मेंबर बी एम है, और इस कलेक्शन का वो मेंबर बी एम वाई है जो जी वाई और जी वाई में कंटेंट हो जाएंगे। अब ये वाला कलेक्शन मोनोटोन डिक्रीजिंग है, और ये वाला कलेक्शन भी मोनोटोन डिक्रीजिंग कलेक्शन है। तो मोनोटोन डिक्रीजिंग कलेक्शन है तो फिर कंडीशन क्या होगी, जो बड़े इंडेक्स वाला है वो छोटे में कंटेंट होगा एंड सोन, यहाँ इन्फिनिटी तक रिपीट कर देंगे। तो यहाँ इस कंडीशन को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बी एम वाला कंटेंट है तो बी एम के बाद जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसी में ही कंटेंट होंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम, अगर एम वाला कंटेंट है इसमें तो एम प्लस वन वाला भी कंटेंट होगा इसमें, एम प्लस टू वाला भी कंटेंट होगा। तो इस कंडीशन को हम ऐसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यो जो एक्सएन है वो ऊपर मान रखी थी कि बी एम बी एन एक्स का एलिमेंट है और बी एन वाई का एलिमेंट है। तो यहाँ इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स एम या एम के बाद उस ओपन सेट में जा रही हैं जो एक्स को कंटेन कर रहा है, और उस ओपन सेट में जा रही हैं जो वाई को कंटेन कर रहा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये सीक्वेंस एक्स और वाई डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज कर गई, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हमने अजम्पशन ले रखा है कि जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो सिर्फ यूनिक लिमिट रखती है। तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया कि ये टी2 स्पेस नहीं है। This implies is a T2 space.